हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट जब थोड़ी देर इस्तेमाल हो जाता है तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम्स यू ऑब्जर्व दैट इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाते हैं ये। तो यू ऑफन ऑब्जर्व दिस इफ़ वी यूज एनी इलेक्ट्रिक गैजेट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड टू हीटिंग अप। सम इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। कुछ एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। कंसीडर कीजिए, करंट आई इज़ फ्लोइंग इन एनी सर्किट, रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है सर्किट में। देन वर्क डन बाय द चार्ज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। इफ वर्क इज हैपनिंग फॉर टी टाइम एंड सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई वी क्यू इन टी टाइम, देन पावर कितनी होगी? अगर सोर्स ऑफ एनर्जी पर टी टाइम वी क्यू सप्लाई हो रही है तो पावर वी क्यू पर टी टाइम के लिए पी इक्वल टू होगा वी क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू रखेंगे, क्यू इक्वल टू होता है आई टी, टी से टी कैंसल आउट, तो पी इक्वल टू हो गया वी आई। तो जो पावर होती है किसी सर्किट के लिए, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है उसके लिए पावर वी आई होती है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट एंड करेंट। सोर्स इज सप्लाइंग दिस पावर फॉर टी टाइम, देन दिस ऑल इज कन्वर्टेड इन टू हीट। अगर पावर टी टाइम के लिए सप्लाई हो रही है और जितनी पावर सप्लाई हो रही है वो सारी हीट में कन्वर्ट हो जाए, तब अगर पावर टी टाइम के लिए कन्वर्ट हो रही है तो पावर टोटल पावर हो जाएगी वी आई टी, और ये टी टाइम के लिए कन्वर्ट हुई, ये हीट में कन्वर्ट हो गई, तो देन वी कैन राइट इट हीट एच, देन एच विल बी इक्वल टू वी आई टी। हमने एच क्यों लिखा? क्योंकि जो पावर है वो हीट में कन्वर्ट हो गई। नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ, अब यहां ओम्स लॉ लगा दीजिए, एच इक्वल टू वी आई टी, वी आई वी इक्वल टू होता है आई आर, वी की वैल्यू पुट करिए तो फॉर्मूला आ गया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का फॉर्मूला लगा दीजिए, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो ये ओम्स लॉ लगा करके अलग अलग इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो जो हीटिंग इफेक्ट है आई स्क्वायर आर टी, इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं जूल्स लॉ क्या होता है। जूल्स लॉ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जूल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। किसी रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हीट एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और जूल्स कहते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो एच प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आता है, क्वेश्चन आती है एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर टी, प्रोपोर्शनल हटाएंगे आर लगाएंगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कम्स। जूल्स कहते हैं कि जो हीट है इट इज ऑल्सो द प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज अगर इफ आर इज इंक्रीज्ड हीट विल बी इंक्रीज्ड।
तो दिस इज़ द फॉर्मूला एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज़ द जूल्स फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स ने तीन बातें कहीं कि हीट किस पर डिपेंड करती है, आई के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के प्रोपोर्शनल होती है और आर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो रिपीट करिए, बैक करिए, फिर दोबारा से देख लीजिए। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक पावर है ये रेट ऑफ पर यूनिट टाइम होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी का पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे पावर कहते हैं। ये एनर्जी है, वी क्यू इज एनर्जी, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होता है, वी वर्क है, वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो जो ये डब्ल्यू है ये एनर्जी के बराबर होता है, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो हम कह सकते हैं जितना वर्क डन हुआ उतनी ही एनर्जी खर्च हुई, यानी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। एनर्जी चेंज वर्क के बराबर होती है, तो जितना वर्क डन होगा पर सेकंड उतने ही पावर कंज्यूम हो रही है। तो पावर इक्वल टू हो गया वी क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, टी से टी कैंसल आउट, तो पावर हो गई पी इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू आई आर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, कैलकुलेट किया आई स्क्वायर आर। एफ वैल्यू आई की रखेंगे, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, तो आई स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वन आर से वन आर कैंसिल, देन फॉर्मूला विल कम आउट पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के लिए फार्मूला यूज होते हैं, न्यूमेरिकल में यूज होगा। एक तो ये फार्मूला यूज होगा, एक फार्मूला ये यूज होगा, एक ये यूज होगा। तो अलग अलग फॉर्म है, सिर्फ वी इक्वल टू आई आर अलग अलग क्वेश्चन में रख दीजिए, अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। तो बेटा जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। पी इक्वल टू क्या हुआ, वी आई, वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर को कहते हैं वाट, या तो वोल्ट इंटू एम्पियर बोलिए या कहिए वाट। अब इसकी अलग अलग है किलो वाट, किलो में 1000 होते हैं, तो 1 किलो वाट इक्वल टू हो गया 1000 वाट इंटू 1 आवर। ये 1 यूनिट के बराबर होती है, जैसे मीटर में ही रीडिंग आती हैं, तो 1 किलो वाट यानी 1000 वाट को अगर हम 1 घंटे तक यूज करेंगे तब 1 यूनिट कंसीडर होती है। तो 1000 वाट इंटू आवर को सेकंड में चेंज कर देंगे तो 3600 सेकंड, कैलकुलेट करेंगे 3.6 इंटू 10^6 वाट सेकंड, इसको कहेंगे जूल। तो 1 आवर किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10^6 जूल। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने किलोवाट है इसको जूल में कन्वर्ट करिए, तो 3.6 इंटू 10^6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोवाट आवर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल्स लेंगे इस चैप्टर के सारे, तब तक वेट करिए न्यूमेरिकल्स का, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गेन नॉलेज। थैंक यू बेटा।